I am Kashif Memon, CEO Eureka Global Education and certified coach and digital marketer from USA. जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं दो हफ्ते के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ USA में, ताकि मैं अपनी लाइफ के अंदर इनकम को ग्रो कर सकूँ और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकूँ। यहाँ पर मैं उन लोगों के साथ स्पेसिफिकली मुखातिब हूँ जो लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि आया हम डिजिटल मार्केटिंग जो है उसको यूज़ करें, या वो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स उन लोगों को हासिल नहीं हो पा रहे। मेरी एक लर्निंग हुई इस बारे में, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा सोच रहा था जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग को चूज़ किया अपने बिजनेस के मार्केटिंग ऑप्शंस के अंदर, तो मैं भी कंफ्यूज था। और फिर जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो मुझे वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे जैसे कि दूसरे लोगों को वर्ल्ड के अंदर जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो मैंने ये लर्न किया कि सबसे पहली चीज़ जो क्लियर होनी चाहिए उन लोगों को जो कि डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करना चाह रहे हैं, वो अपने इंटेंशन और क्लैरिटी, इसको एक्चुअली सबसे पहले फोकस करें कि आपको उस डिजिटल मार्केटिंग से, सोशल मीडिया मार्केटिंग से लाइक्स नहीं चाहिए, आपको अपने बिजनेस के लिए लीड्स चाहिए। आपको कमेंट्स नहीं चाहिए, आपको अपने बिजनेस के लिए पेइंग कस्टमर्स चाहिए। आपको शेयर्स नहीं चाहिए, आपको सेल्स चाहिए। आपको फॉलोअर्स नहीं चाहिए, आपको कैश फ्लो चाहिए। आपको SEO को यूज़ करके रैंकिंग नहीं चाहिए, आपको अपने बिजनेस के लिए रेवेन्यू चाहिए। आपको सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, आपको सेल्स चाहिए। ये सबसे पहले एक्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप सही स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब भी कोई पर्टिकुलर चैनल को आप यूज़ करेंगे तो आपको गोल जो है ना वो क्लियर होगा कि भाई, आपको बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हम आपके बिजनेस के अंदर आपके सोशल मीडिया चैनल के लाइक्स बढ़ा देंगे, कमेंट्स बढ़ा देंगे, शेयर बढ़ा देंगे या पोस्ट लगा देंगे। देखें, ये तमाम चीज़ें थोड़े वक्त के लिए अच्छी लगती हैं, इसका एंड रिज़ल्ट जो हमें चाहिए वो एक्चुअली ग्रोथ है, इनकम ग्रोथ, कस्टमर की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, ये हमें चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं या आप अपने बिजनेस को हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि ये क्लैरिटी चाहिए इसके अंदर कि आपको करना क्या है। मैं आप लोगों के साथ मज़ीद एक और वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जो कि ये बार आपको बताएगी कि आपको अपने इस पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए किन चीज़ों का एक्चुअली ख्याल रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ों को आपने देखना है बिफोर यू स्टार्ट योर ट्रेनिंग फ्रॉम एनी ट्रेनर और एनी इंस्टीट्यूट। जब तक मैं ये दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, तब तक आप मेरी एक वीडियो ट्रेनिंग देखें जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, दैट इज़ अबाउट हाउ टू गेट कस्टमर्स। मेरी अब नेक्स्ट फ्लाइट का वक्त हो चुका है और मुझे LA की फ्लाइट को कैच करना है, लेकिन आप मेरी कस्टमर गेटिंग सिस्टम की जो ट्रेनिंग है उसको प्लीज़ मिस नहीं कीजिएगा। उसमें 5 स्टेप्स बताए हैं और उस 5 स्टेप्स को यूज़ कर कर आप अपने बिजनेस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर कर कस्टमर ला सकते हैं, कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। मैं LA जाकर आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जब भी कोई इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करें या ट्रेनर को सेलेक्ट करें अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के लिए, तो किन बातों का ख्याल रखना है और किस तरह के रिजल्ट्स आप जो है वो एक्सपेक्ट करें उस ट्रेनिंग से, ताकि आपका मेन गोल जो आपको फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल और पीपल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम और प्लेस फ्रीडम, ये आपको हासिल हो सके। लेकिन ज़रूर देखिएगा मेरी इस वीडियो को, कस्टमर गेटिंग सिस्टम को ज़रूर देखिएगा, उसको मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।